Dear students, Assalamu alaikum. Last time we were discussing periodicity of properties and we had started atomic size and atomic radii. इनको बेटा हमने इंट्रोडक्शन किया था. What is atomic size? What is atomic radii? उसी को बेटा हम कंटिन्यू करते हुए टुडे आवर टॉपिक इज ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल. बेटा ये जो एटॉमिक रेडियाई है पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका क्या ट्रेंड है, मींस पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स एंड ग्रुप्स होते हैं उसमें इसका क्या ट्रेंड है, इसका क्या रुझान है, क्या ग्रुप में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, पीरियड में इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इसके साइज एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं. इंशाल्लाह आज हम इस हवाले से बात करेंगे. कीप इन माइंड टुडे आवर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेटा आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे अगले हमारे जो इंशाल्लाह लेक्चर होंगे उनमें ये बेसिक कंसेप्ट होगा. आज का लेक्चर बेटा इंपॉर्टेंट है, काइंडली बेटा गौर से सुनना आप लोगों ने, राइट. सो हम स्टार्ट कर लेते हैं ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल. सबसे पहले तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई होता क्या है. वी हैव डिफाइंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम. बेटा जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं उन नो डाउट बोथ ऑफ द एटम विल हैव न्यूक्लियाई. कीप इन माइंड न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई होती है. तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियाई. क्या नाम दिया जाता है इसको, एटॉमिक रेडियाई को. You can see in diagram, ये बेटा कार्बन एटम शो किए गए हैं. ये कार्बन का वन एटम है, that is an other atom. ये दो एटम लिए हैं कार्बन के, ये एक कार्बन के न्यूक्लियस है, ये दूसरे के है. अगर हम बिटवीन द न्यूक्लिया ये डिस्टेंस फाइंड करें दैट कम्स 154 पीकोमीटर. पीएम मीन पीकोमीटर आता है. जब हम इसको हाफ करेंगे दैट कम्स 77 पीकोमीटर. कितना आता है 77 पीकोमीटर आता है. ये था एटॉमिक रेडियाई के हवाले से जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल डिस्कस किया था. आज हम बेसिकली इसके ट्रेंड को डिस्कस करेंगे, ट्रेंड इन पीरियड. कीप इन माइंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. बेटा पीरियड हॉरिजॉन्टल रोल्स होती है ना. When we move from left to right in a period, atomic radii decrease. Atomic radii क्या होता है? Decrease होता है, very important in school. In when we move from left to right in period, अगर हम left to right move करें, तो atomic radii क्या होते जाते हैं? Decrease होते जाते हैं, कम होते जाते हैं. क्यों कम होते जाते हैं? इसकी बेटा हम जरा result देख लेते हैं. So, अब आप देख सकते हैं कि क्या वाकई डिक्रीज हो भी रहे हैं. यस यू कैन सी यहां पर बेटा सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जो हैं उनको शो किया गया है. यू नो सेकंड पीरियड कंसिस्ट ऑफ लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड न्यू. एंड इफ आई टॉक अबाउट देयर एटॉमिक रेडियाई, द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम 154, then 113. You can see there is a decrease. Atomic radii क्या हुआ बेटा? Decrease हुआ है. Then 88, 77, 75, 73, 71 and 69. Means atomic radii decreases from left to right in a period. Why? Because of इसकी क्या रीजन है. एक तो बेटा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर.
क्या है इसकी रीजन? एक तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, यू कैन सी इन पीरियड द पीरियड इन सेकंड पीरियड एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, बेरिलियम हैज एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन हैज 5, कार्बन हैज 6, नाइट्रोजन हैज 7, ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन हैज 9 एंड नियॉन हैज 10। तो यहां तक बेटा कोई बात गलत तो नहीं लिखी गई। क्या बेटा, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम किसी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं क्या होता है? साइज ऑफ एटम डिक्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट है इसको। साइज ऑफ एटम क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। सर क्यों डिक्रीज हो रहा था? बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज। तो देखिए बेटा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ना, अगर आप लिथियम पे देखें 3 है, बेरिलियम हैज 4, राइट। नेक्स्ट, इंक्रीज ऑफ विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बेटा न्यूक्लियर चार्ज से हम क्या मुराद लेंगे? न्यूक्लियर चार्ज से मुराद न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यू नो देयर आर 3 बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अगर हम एक एटम को यहां पर ड्रॉ कर लें, ये क्या बेटा न्यूक्लियस है, एंड यू नो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, एंड अराउंड द न्यूक्लियस डिफरेंट शेल्स आर प्रेजेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। बेटा कीप इन माइंड, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम में कहां होते हैं? इनसाइड न्यूक्लियस। कहां पर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होते हैं? अराउंड दी न्यूक्लियस, अराउंड दी न्यूक्लियस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो यू नो प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड यू ऑल्सो नो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, मीन प्रोटोन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इनको प्रोटॉन्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें क्योंकि प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इस वजह से इस फोर्स को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज से मुराद न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स खींचने की अबिलिटी, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स खींचने की अबिलिटी। अब न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स खींचने की अबिलिटी क्या होती जाती है? ज्यादा होती जाती है। क्यों होती जाती है? बिकॉज यू कैन सी इन पीरियड, पीरियड के अंदर हम अगर लिथियम एंड बेरिलियम का कंपैरिजन करें और अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, यू कैन सी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 4 है। जब 4 एटॉमिक नंबर है, इट मींस इट हैज 4 प्रोटॉन। एंड इन केस ऑफ लिथियम, यू नो इट्स एटॉमिक नंबर इज 3, मींस इट हैज 3 प्रोटॉन। बेटा लिथियम के पास प्रोटॉन्स कम है, बेरिलियम के पास प्रोटॉन्स ज्यादा है। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जितना ज्यादा खींचेगा हम इसको कहेंगे इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहां तक बेटा बात समझ आई? तो
विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे ही बेटा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है व्हाट हैपन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, तो इसकी वजह से क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या होता है इंक्रीज होता है बेटा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है क्यों, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन बेटा, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो प्रोटॉन्स ऐड होते जाते हैं ना, इसका एटॉमिक नंबर 3 मींस 3 प्रोटॉन, इसमें 4 एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसका एटॉमिक नंबर 5, जैसे जैसे when we move from left to right in a period, left to right जब हम move करते हैं तो there is addition of proton, addition of proton means there is increase of effective nuclear charge, increase of effective nuclear charge is causes the more attraction of valence electron, ये जो बाहर shell electrons होते हैं nucleus की जब power ज्यादा है, जब उसकी पावर ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा ना, कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइक इज राइट, तो सामने जब न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा एज अ रिजल्ट एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं, बात समझ आई बेटा। So, with increase of atomic number, what happen effective nuclear charge increase? Nuclear charge क्या होता है? Increase हुआ है. क्यों? Because of addition of more and more protons in the nucleus. Nucleus में जब protons ज्यादा है. Then, this force due to increase of protons in nucleus. This force pulls down or contracts the outermost electron shell towards the nucleus. ये जो बाहर वाला shell होगा, उसके अंदर जो electrons हैं, ज़्यादा nuclear charge उनको अपनी तरफ ऐसे attract करेगा. You can see जैसे बेटा उनको अपनी तरफ ऐसे attract करेगा, as a result size of atom क्या हो जाता है, decrease हो जाता है. Right? तो बेटा क्या कारण है? Because of decrease in atomic radii in a period. क्या कितने reasons हैं बेटा? Basically two reasons हैं. कौन-कौन सी? एक तो increase in atomic number. Number two increase in effective nuclear charge. अगर आप इसको short में बयान करना चाहें, atomic radii decrease from left to right in a period because of two reasons. Right? कौन कौन सी? इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. राइट? देन ट्रेंड इन अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर यू नो ग्रुप किसको कहते हैं, वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल को हम ग्रुप्स का नेम देते हैं, तो बेटा पीरियड और ग्रुप में अपोजिट होता है, जो पॉइंट्स आप इसमें लिखे हैं पीरियड में लिखे हैं उन्हीं को आप अपोजिट कर देंगे, उलट लिख देंगे इनके साफ ग्रुप, तो इन पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज, इन ग्रुप द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, सो द साइज ऑफ एटम और एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आए एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ, इसकी वजह जो रीजन है, एक तो जब आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखेंगे तो एज अ रिजल्ट ये होगा कि एडिशन ऑफ न्यू शेल होगा, अगर हम किसी ग्रुप की एक्सप्लेन कर लेते हैं, इफ आई टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, फर्स्ट ए जो ग्रुप है इसमें बेटा लिथियम का मैं कंपैरिजन करवा लेता हूं विद सोडियम, लिथियम है एटॉमिक नंबर 3 एंड सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो बेटा दैट इज न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स
एंड सेकंड शेल विल कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन बिकॉज देयर आर टोटल थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन लिथियम राइट. इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम के अगर हवाले से हम बात करें तो दैट इज न्यूक्लियस. फर्स्ट शेल कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स. बेटा 10 हो गए ना, मीन थर्ड शेल विल कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. इफ यू कंपेयर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ लिथियम एंड सोडियम यू कैन सी लिथियम हैज ओनली 2 शेल्स. व्हाई? सोडियम हैज 3 शेल, 1 2 3. तो क्या होता है, क्यों एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है? अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन अ सक्सेसिव पीरियड. सक्सेसिव पीरियड से मतलब ऊपर से हम जैसे नीचे आते हैं न्यू पीरियड स्टार्ट होगा ना, तो बिकॉज ऑफ न्यू एडिशन ऑफ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सक्सेसिव पीरियड साइज ऑफ एटम इंक्रीज. You can see in the table, even a table banaya gaya hai. Lithium has atomic radii 154, sodium has 186, potassium 227. You can see atomic radii are increasing. Ye badhte ja rahe hain. Then 248, 265. In this way, atomic radii increase from top to bottom in a group. Right? Then decrease in effective nuclear charge. Second reason क्या है? Atomic radii की इन group के अंदर increase होने की. क्यों? Group के अंदर atomic radii increase होते हैं. एक तो reason बेटा ये थी कि new shell of electron. Number three, इसकी reason क्या है? इसमें बेटा reason ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है. सर क्यों डिक्रीज हो जाता है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं. ये तो क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. जितना ज्यादा एटम का साइज बढ़ता जाएगा, इट मीन ये बेटा देखिए ये प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन होंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से उतने ज्यादा दूर होते जाते हैं. जितना एटम का साइज ज्यादा होगा, तो बेटा देख सकते हैं ना कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने दूर हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर हो गए हैं. जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से दूर होंगे, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पे कम होगी. न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पे कम होगी. इसको मैं सिंपल सा बेटा आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे हम अगर अपनी बात करें, जब हम छोटे होते थे घर में होते थे तो नो डाउट 24 घंटे वालदैन हमारे साथ हुआ करते थे. जब भी हम थोड़ा सा ऐसे बाहर फजूल चले जाते हमसे पूछ पूछ होती थी कि हाँ कहाँ गए थे, भास्कर नो डाउट जूते भी पड़ जाते थे लेट होने पे. अब क्योंकि हम उनके जितने करीब थे उनका हम पर कंट्रोल उतना ज्यादा था. अब थोड़ा सा उसके बरअक्स केस हुआ पड़ा है. कैसे? अब बेटा हम हॉस्टलाइज हो चुके हैं, हम अपने घरों से काफी दूर आ चुके हैं. अब जितनी ज्यादा घरों से दूर हो गए हैं, नो डाउट जो वालदैन हैं उनकी उतनी ज्यादा अब अट्रैक्शन हम पर नहीं है, उतना ज्यादा फोर्स को हमें नहीं कर सकते. क्यों? हम उनसे दूर हैं. वास्तव ऐसे भी होता है ना कि हम मूवी देख रहे होते हैं, घर से कॉल आ जाती है कि मम्मा की बेटा क्या कर रहे हो, बेशक हम मूवी देख रहे होते हैं, टेलीफोन पर क्या बताया मम्मा पढ़ पढ़ के बेहोश होने लगे. क्यों? हालांकि ये अक्सर हो गया ना, जितना ज्यादा फासला बढ़ा उतनी ज्यादा जैसे बेचारे वालदैन की अट्रैक्शन, उनकी अट्रैक्शन कम हो गई है. आप इसी बात को माइंड में रखने के लिए ही एग्जांपल दे सकते हैं. बेटा एटम का साइज जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से दूर होंगे, जितने ज्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से दूर होंगे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पे कम होगी. जब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा. क्योंकि अगर वो
न्यूक्लियस ज्यादा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन आगे हो जाते हैं। अब तो आगे नहीं हुए, इस वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। सो व्हाट आर द बेसिक रीजंस ऑफ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप? बिकॉज अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन अ सक्सेसिव पीरियड। एक तो बेटा न्यू शेल ऐड हो जाता है, नंबर टू क्या होती है, डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल, राइट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक्स, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।